नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीजेट। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर। लॉकडाउन के चलते बैंकों के बाहर उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। खबरों में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव की, जहां 21 दिनों के लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। लॉकडाउन के चलते सभी कारोबार के चक्के जाम पड़े हैं, जिसके चलते आम जनता को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्नाव प्रशासन लगातार जनपद की सीमाओं को सील करके उसका निरीक्षण कर रहे हैं। जिला मुख्यालय की सभी सीमाओं को सील करके आने जाने वाले राहगीरों से पूछताछ करके उन्हें दूसरे रास्ते से रवाना किया जा रहा है। वहीं तहसील हसनगंज की सीमाओं का उप जिला अधिकारी प्रदीप वर्मा ने भारी पुलिस बल के साथ लॉकडाउन का पालन कराते हुए सड़कों पर आने जाने वाले वाहनों से पूछताछ करके उन्हें आने जाने से रोका जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते उन्नाव शहर की सभी बैंकों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पुलिस के मौजूद होने के बावजूद भी बैंकों के बाहर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग को मजाक बनाया जा रहा है। जिला अधिकारी व पुलिस कप्तान के लाख प्रयासों के बाद भी कुछ पुलिस कर्मी है कि उनकी ड्यूटी के चंद कदम की दूरी पर बैंकों के बाहर लगी भीड़ को हटाने में तकलीफ महसूस हो रही है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी सिर्फ आने जाने वाले वाहनों के ऊपर अपना जोर आजमाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। खतरनाक वायरस कोरोना के चलते जहां पूरा देश एक बड़ी महामारी की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी कुछ लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन लोगों को कोरोना का कोई डर या भय दिखाई नहीं दे रहा है। इन लोगों को बस अपने कामों की जल्दी पड़ी हुई है, उसके लिए ना तो कोई आपस में दूरी रखना चाहते हैं, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बने घेरों में खड़े होना चाहते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान का भारत देश की जनता ने अपना कर देश को कोरोना रूपी महामारी से बचाने के लिए एक साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, और इसी सब्र व मेहनत का नतीजा है जो अभी तक उन्नाव जनपद में कोरोना से संक्रमित एक भी मरीज नहीं पाया गया है। हालांकि कई संदिग्ध मरीजों की जांच हुई है, लेकिन उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगर उन्नाव की जनता आगे भी इसी तरह से पुलिस प्रशासन व सरकार के साथ देगी तो कोरोना रूपी जंग को भारत देश हराकर फिर एक बार विश्व रिकॉर्ड हासिल करेगा। जिला प्रशासन अलग अलग समुदाय के धर्म गुरुओं के साथ लगातार बैठक करके उनसे अपील करता रहा है कि आप सभी लोग अपने अपने धर्मों के लोगों को इस खतरनाक वायरस कोरोना से बचाव के लिए सभी को जागरूक करें। साथ ही किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भीड़ इकट्ठा ना होने दें। सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर पूजा पाठ करें। 21 दिनों के लॉकडाउन में आप सभी लोगों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। आप सभी के सहयोग से हम खतरनाक वायरस कोरोना से आप सभी को बचा पाएंगे। समाचार टीजेट के लिए उन्नाव से भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। उन्नाव पूरे जनपद को और खासतौर से प्रशासन को आश्वस्त करता है कि जो भी इस महामारी से सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन उपाय करेगा या जो भी होगा पूरा सहयोग देगा। जैसा कि माननीय डीएम साहब ने अभी शब्दों में कहा था कि हम आप सबके सहयोग से जिला को इस महामारी से सुरक्षित निकाल लें। हम सबका सहयोग रहेगा कि उनकी शुभकामनाएं रहेंगी कि उनके भाव अवश्य पूरे हों। अभी शहरवासियों से ये विनती है कि अपने अपने घरों में रहने का कष्ट करें। प्रशासन जो हमें हिदायतें दे रहा है वो हमारे भले के लिए है। देखिए, भगवान का नाम लेना है, परमात्मा का चिंतन करना है, वो हम लोग घर पे भी बैठ के कर सकते हैं। सभी धर्मों का मूल है दया, तो अभी ये जो समय है ये समय ऐसा है कि हम अपने पे भी दया करें और दूसरों पे भी दया करें, ताकि इस महामारी से हमारा और दूसरों का बचाव हो सके। यही सबसे विनती है और मैं आस करता हूँ कि आप सभी मेरी ये विनती प्रवान करें। गुजारिश करता हूँ, इस लॉकडाउन के मौके पर बहुत एहतियात बरतें हैं और चौराहों पर और अपने चबूतरों पे मोहल्लों में बिना वजह न घूमें, न चार पांच आदमी इकट्ठे होकर बातचीत करें। अगर इसका एहतियात नहीं करेंगे तो फिर इस कोरोना वायरस से हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप खुदा इसका मुकम्मल एहतियात करें और बिना वजह चबूतरों पर चौराहों पर न घूमें।